एक मिनट चंद बातें मेरी भी सुनते जाइएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमेशा अल्लाह करीम आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, सलामत रखे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप हज़रात का कीमती वक्त बिल्कुल भी ज़ाय ना हो। सो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। क्या ख्याल है आपका कि क्या बंदा मालदार दौलत से होता है जिसके पास में बहुत ज़्यादा पैसे हों, अच्छी गाड़ियाँ हों, अच्छा घर हो, क्या वो मालदार होता है? अगर ये ख्याल आपका है ना, तो यकीन जानिए ये ख्याल आपका अब गलत होने वाला है। कहते हैं, और मैंने अक्सर किताबों में पढ़ा और पढ़ाया भी है, कि असल मालदारी ना दिल की मालदारी है। अल गिना गिना नफ्स हदीस में भी आता है कि बंदा अपने दिल से मालदार होता है। पैसे से, दौलत से, अच्छी गाड़ियों से, बेहतरीन घर से हरगिज़ कोई मालदार नहीं हुआ करता। इस वीडियो के अंदर आप देख रहे होंगे कि एक औरत है जो फुटपाथ पर बैठकर अपने पेट का सवाल करती है लोगों के सामने। एक लड़का वहाँ आकर सोशल एक्सपेरिमेंट करता है, वो है कि वो दिखाता है दुनिया को। और यकीन जाने इस बच्चे को, इस लड़के को शायद कि अंदाज़ा ना हो कि इसकी ये वीडियो पूरी दुनिया को एक अजीम सबक भी दे सकती है। ये लड़का इस औरत के पास आकर एक्टिंग करता है कि मुझे भूख है, मैं भूखा हूँ, मेरे पास में पैसे नहीं है। चुनांचे वो औरत जो अपने पेट के लिए चंद रुपयों का सवाल कर रही थी, चंद पैसे हासिल करना चाह रही थी, हाँ जिसको ज़रूरत थी अपनी हालत को दुरुस्त करने के लिए चंद पैसों की, लेकिन जब वो देखती है ना कि कोई मेरे सामने मुझ जैसा गरीब है, तो वो अपने पैसे निकाल कर उसको दे देती है। लेकिन क्या मालूम था कि ये उसकी आजमाइश है, उसका इम्तिहान है। वो लड़का तो देखना चाह रहा था कि ज़रा देखे तो सही कि गरीब भी अमीर होते हैं क्या। लेकिन यकीन जाने ये औरत जब उसको पैसे दे देती है, और उसके बाद वो एक लिफाफा इसके हाथ में दे देता है, तो लिफाफे को जिस वक्त ये खोलती है ना, तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, दिल भर आता है फौरन। ये देखती है कि मैंने तो किसी को मोहताज समझा था, और वो ये ख्याल करके कि शायद जिस तरह मैं परेशान हूँ ये भी परेशान होगा, उसकी मदद कर देती है। लेकिन इसे क्या मालूम था कि अब तेरी बहुत अच्छी मदद होने वाली है। इस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया, और यकीनन पूरी दुनिया को बहुत अच्छा मैसेज दिया और समझा दिया है कि गरीब भी अमीर हो सकता है, और असल मालदारी ना दिल की मालदारी है। आखिर में दोस्तों, कोशिश करें आप भी और साथ में मैं भी कि आप दिल के अमीर बने। और यकीनन आप अगर दिल के अमीर बनना चाहते हैं ना, बहुत ज़्यादा माल की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि पैगाम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि मालदारी की असल हकीकत क्या है। मैं हूँ आप सबका मेज़बान मोहम्मद नाज़िम, रुख्सत होता हूँ, मिलता हूँ इंशाल्लाह अगले पैगाम के साथ।